हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज टोन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा मैसेज टोन का, मैसेज टोन पे सिलेक्ट करना है। अब मैसेज टोन के इस पेज में आपको है ना ये ऑप्शन मिलेगा म्यूट का, म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपको इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपका ब्लू टिक मार्क इस तरीके से लग जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपकी मैसेज टोन सेटिंग डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैसेज टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आपके मोबाइल फोन में जो मैसेज ऐप होता है टेक्स्ट मैसेज का, ये जो मैसेज ऐप होता है ना आपका, इस मैसेज ऐप का अगर आपके फोन पे कभी भी मैसेज आएगा ना तो आपके फ़ोन से कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी मैसेज टोन सेटिंग डिसेबल करने के बाद, यानी कि म्यूट करने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको है ना ये भी बताया था कि कैसे आप इस सेटिंग को ना, यानी कि मैसेज टोन सेटिंग को अपने फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ही सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। स्टार्टिंग से सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है मैसेज टोन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा मैसेज टोन का। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो यह मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।